हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीआई और देखेंगे कि डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या अप्रोच होता है सॉल्व करने का। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको किसी नोट्स की जरूरत हो तो आप नेट वाले भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि डीआई आखिर होता क्या है, डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं, डीआई क्या होता है। चलिए देखते हैं। डीआई बोलते हैं, डीआई को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को डेटा कहते हैं। और व्हेन दिस डेटा इज रिप्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फॉर्म किया जाता है उसे डीआई कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट प्रकार के डीआई होते हैं, जैसे टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या कॉम्बिनेशन। डीआई को सॉल्व करने के लिए पहले डीआई को अच्छी तरह केयरफुली तरह से रीड करना पड़ता है, उसके बाद उसे डिकोड करना पड़ता है, उसके बाद उसे फ्रेम करना पड़ता है ताकि अच्छा से डीआई को पहले समझे और उसे बनाने में इजी लगे। मैंने डीआई को सॉल्व करने के लिए चार टूल्स रखा है। पहला टूल है, आपको बेसिक परसेंटेज आने चाहिए। बेसिक रेशियो आना चाहिए, एवरेज आनी चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी डीआई सॉल्व करने में आपको इजी लगेगी। देखिए बेसिक में, बेसिक माने तो परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछा जाता है इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कहने का मतलब है ए बी से कितना परसेंट है, जिस चीज से कंपेयर होता है उसे हमेशा नीचे रखा जाता है। जैसे ऐसे व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये ऐसे लिखा कंपेयर हो रहा है ए, इसलिए बी को हमेशा नीचे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है ए इज व्हाट परसेंट लेस या मोर देन बी, कंपेयर किया जा रहा है बी, और ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए कितना बड़ा या छोटा है बी से। पहले ए डिफरेंस बी डिवाइडेड बाय बी 200 का ये होता है। अब आइए रेशियो, फिर किस टाइप की क्वेश्चन आ सकती है। रेशियो में मानिए दिया होगा वन इस और बी का वैल्यू अगर दिया हुआ हो 12 और ए का वैल्यू पूछा होगा, ये प्रकार निकलेगा इक्वल टू 12 दिया होगा, वन इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर। एवरेज से फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल। आइए क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे कैसे रीड किया जाता है। और इस डीआई को बोलते हैं टेबल डीआई। टेबल डीआई ऐसे ही आएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ ऑल मूवीज टुगेदर एट सिनेमा। देखिए ए का सिनेमा
का टोटल करने बोला है, के का टोटल कीजिए पहले, तो फाइव फाइव हाथ में एक, चार तीन सात, तीन दस, दस और दो बारह, चौदह एक पंद्रह। आगे पूछा है एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट फॉर ऑल मूवी टुगेदर एट अभी, तो अभी टोटल करना है फाइव 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 हाथ में, चार तीन सात, तीन दस और पांच पंद्रह और एक सोलह। अब पूछा क्या है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकेट्स सोल्ड ऑफ टू एंड आर टुगेदर एंड बोथ ए एंड बी टुगेदर। मींस बोला गया है टू का टोटल, का टोटल ए और बी को इक्वल टू जीरो फाइव एंड फोर सेवन। बोला है क्यू का टुगेदर ए और बी का, तो छोड़िए तो फाइव फाइव टेन हाथ में एक, पांच और एक छह। अब क्या बोला गया है ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल इसका आंसर है फाइव तेरह सौ पचास। नेक्स्ट नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ एट सिनेमा हाउस ए, टोटल नंबर ऑफ सिनेमा ए का है फोर हंड्रेड। बोला है इस व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टिकट मूवी पी का 100 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको कट कर दीजिए, बार में कट का तो आंसर होगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी पी एट सिनेमा बी। तो देखिए है पहले पी का जाइए, पी कहाँ है यहाँ, और पी का सिनेमा सॉरी बी, तो बी का हो जाएगा 300 इस टू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी क्यू एट सिनेमा बी, मूवी क्यू में जाइए एंड सिनेमा बी 400। अब इसको कट कीजिए का आ जाएगा आंसर फोर, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट सिनेमा बी फॉर टी एंड एस टुगेदर, टी और एस का पूछा है और एस कितना है 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 का पूछा गया है, जोड़िए 5 5 10 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2 कट कीजिए खत्म। आज फर्स्ट क्लास का पहला डीआई कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।